दिया की सासू माँ ही सारा काम करती है घर का। दिया बस वीडियो बनाने में रहती है और पैसा कमाने में रहती है, बाकी सारा काम तो सासू माँ ही करती है। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 9:15 और इस समय जो है क्रियांश थोड़ा बाहर गया हुआ है और गया हुआ है अपने बाबा के साथ दूध लाने के लिए। और फिलहाल जो हमारे साले साहब सब भी आए हुए हैं तो हम लोग जा रहे हैं बाहर कोल्ड ड्रिंक का पेटी सब जा करके उठा रहे हैं। तो क्या ओकेजन है आपको बताते हैं, क्या बोल रही है? आज तक तुम घर के लिए नहीं लाया ससुराल के पीछे मर रहा है। अच्छा, जा रहा है ससुराल वाला सबका, जा रहा है स्प्राइट लाने, नौकर है क्या? सही बात है जी, बिल्कुल नहीं नौकर है। और सही बात करते हैं इसके ऊपर बात कुछ देर में। तो आ गए हैं जी शॉप पर और यहाँ से जो पेटी उठा करके लेके जाना है तो यहाँ देखा जा रहा है अच्छा अच्छा पेटी सब उठा है। One hour later. तो हम लोग आ गए जी मार्केट से और मार्केट से आने के बाद जो यहाँ देख रहे हैं क्रियांश की कुछ हरकतें। और ये देखिए क्रियांश यहाँ पर जो है खेल रहा है। हे क्रियांश इधर आओ इधर आओ ना, बस मामा को पानी दे दो, मामा को पानी दे दो, मामा फेंकेगा इसको तो पप्पे को देगा ये पानी। दादी अपना कसर पूरा कर रहा है। ये देखिए बेचारा का पानी जो है पीछे ही गिर जाता है। पानी वाह 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 क्रियांश वाह क्रियांश। पेपर ले लो दीदी। क्रियांश जो है ना थोड़ा सा भी खिड़की खुला रहे, अपना कुछ ना कुछ करने लग जाता है। दबा देगा इसे खिड़की खुला मत कर। क्रियांश हो सकता है मामा उसके फंस जाए। भाव क्या, देखे भाव हर बात पे, भाव भाव कहाँ जा रहे हो? भाव भाव कोई बात पूछिए तो भाव जा रहे कहाँ जा रहे। क्रियांश जो एक भी अच्छा काम नहीं करता। चलो दादी को बाय करके आओ, बाय करके आओ दादी को। उधर क्या खटर खटर कर रहा, हाँ क्या कर रहा है तुम? पैसा कहाँ चलाया? पैसा चाचू को दे आओ। देख लीजिए छत पे जा रहा है, यो क्षमा करने लायक नहीं है। हर टाइम धूप में दौड़ता है। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और आप देख रहे होंगे ऐसे ही गाड़ी में बैठ गए क्योंकि क्रियांश की वजह से। क्रियांश जो है ना ये गाड़ी धोने के लिए जा रहे थे, गोलू के घर पास में ही है गोलू का घर, तो वहाँ पे जा रहे थे तो हम घर में थे तो हम ऐसे ही थे तो क्रियांश इतना जोर से चिल्लाने लग गया कि मुझे भी आना पड़ा। सोच रहे हैं कि अपने ही घर जा रहे, क्या यार कपड़ा बदलना चेंज करना, जैसे हैं जाते हैं क्योंकि गाड़ी से उतरना है फिर गाड़ी में ही बैठना, कौन देखेगा। आया इसकी वजह से सिर्फ मुझे जाना पड़ रहा है। चीची क्या खाना भी नहीं खाया तुम? क्या बोलो, कुछ बोलना चाहते हैं आप? क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं आप? अपने मोहल्ले में भी बहुत सारा सैलून खुली है नहीं जी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप? तो हम आ गए अपनी बुआ के घर और क्रियांश जो है ना यहाँ पे अपना ड्रेस खोल के, क्या नहीं आया है तुम नानी घर? और वहाँ पे धुल रही है गाड़ी। क्या बोलो? One hour later. लोगों की गाड़ी धुल गई और क्रियांश ने ले लिया है आइसक्रीम। क्रियांश आइसक्रीम खा रहे हो? क्रियांश फर्स्ट टाइम खा रहा है, वो मेरे लिए आया था और इसने ले लिया जबरदस्ती मेरे से। अब घर जा रहा है क्रियांश। क्रियांश पूरा एंजॉय किया, हम लोगों ने कोई वीडियो शूट नहीं किया इस वजह से क्योंकि क्रियांश एंजॉय कर रहा था तो हमने सोचा छोड़ो यार अभी बच्चों को एंजॉय करने देते, कोई भी वीडियो शूट नहीं करते। दे दो ना मम्मा को दे दो। नो हमको छूने ही नहीं दे रहा है जी। दांत काट रहा है मुझे क्रियांश, प्यार भी करता है बहुत। अरे क्रियांश यार क्या कर रही है तू, क्या कर रही हो क्रियांश? क्रियांश भाई हेलो कर दो सबको, बोल दो हेलो गाइस। ये देखिए कैसे दांत काट रहा है गाइस। अरे यार क्रियांश यार
A few moments later. किससे बात कर रहे हैं? गिर गया ना फोन. क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ग्रियान? नहीं कर रहा है ग्रियान. ग्रियान खुद से नहाता है. हाँ ग्रियान. ले. क्या किया? क्या किया? समझदार हो गया क्रियांशु. क्रियांशु देख सकते हैं क्रियांश जो है ना छोड़ ही नहीं रहा है. क्रियांश आने का नाम ही नहीं दे. तो फिलहाल जी खाना लग गया और जिया बैठ गई है यहाँ खाना खाने के लिए. और यहाँ पर बना हुआ है कटहल की सब्जी और है दाल और साथ में आम की चटनी जो कल ही मोलू के यहाँ से जिया चुन करके लाई हुई थी. उसके बाद चावल है यहाँ पर. और यह जो कटहल का सब्जी आज सभी ने जो है बहुत ही मजे में खाया है. सभी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा. हाँ बहुत मजा आया. तो अच्छा है जी कटहल का सब्जी ऐसे ही लाते रहेंगे और ये बनाती रहेगी हम लोग खाते रहेंगे. जो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी वेजिटेरियन होते हैं ना उनको ये जो नॉन वेज वाला फीलिंग दे देता है. खास करके ये हुआ सोया चाप हुआ ये सब की सब्जी तो आपको बहुत अच्छी लगती है ना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. और क्रियांश फिलहाल सोया हुआ है तो जाना पड़ेगा क्रियांश के पास लेटने के लिए. तो क्रियांश उठ जाता है. कमेंट आ रहे थे कि आप लोग व्लॉग रेगुलर क्यों नहीं कर पाते हो. तो मैं तो चाहती हूँ करूँ लेकिन इनका क्या कहूँ करना नहीं कर पाते है. हाँ. कोई बात नहीं आपसे जो है जिया सारा जिम्मेदारी कह दी है कि हम संभाल लिए हैं और आपसे इतना ही मैं जिम्मेदारी संभालना चाहती हूँ जितना मैं कर पाऊँ. ऐसा नहीं कि मैं संभाल लूँ और नहीं कर पाऊँ. मैं जितना कर रही हूँ बहुत है मैं उतना कर लूँ. बाकी जी यहाँ पर तो हम लोग कम एक्टिव रहते हैं. बाकी फेसबुक सब पर जो है बहुत एक्टिव रहते हैं हम लोग और वहाँ पर रेगुलर हम लोगों का वीडियो सब आते रहता है. तो आप लोग वहाँ पर जाकर के हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं. उसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में. तो जी खाना पीना हम सभी का हो चुका है. हम लोगों ने खाना पीना खा लिया और इसके बाद अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी. मैं पूरा आपको ड्रेस दिखाती हूँ अपना. तो आज का ड्रेस ये है मेरा जो कि बहुत प्यारा है रेडी टू वेयर साड़ी जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा. इसमें मुझे अभी शूट करना धूप इतनी ज्यादा है ना क्या बताऊँ बहुत तेज धूप है. मैं 1 घंटे से बैठी हूँ. जब मैंने खाना खा लिया क्रियांश को सुला दिया और उसके बाद तब से मैं बैठी हूँ कि अगर थोड़ा सा धूप कम हो जाए और हवा भी बहुत तेज चल रही है थोड़ा सा कम हो जाए फिर मैं वीडियो शूट करूँगी. तो देखते हैं कब होता है फिर चलूंगी छत पे शूट करने के लिए. और आप में से बहुत लोगों को लगता है कि वीडियो बनाना इतना आसान होता है. नहीं जी सुबह मुझे लगता है 6 बजे मैं उठी हूँ फिर 6:30 बजे से लेकर के खाना पीना 10 बजे तक मेरा खत्म हो जाता है. 10 बजे तक मैं खाना पीना दिन का बना देती हूँ. उसके बाद क्रियांश 8 बजे से उठता है. उसके बाद उसका खाना पीना जो भी होता है नाश्ता करके नहा के पूजा पाठ करके दोपहर का जब 1 बजता है तो उसके बाद मैं रेडी होती हूँ. 1 घंटा मुझे रेडी होने में समय लगता है क्योंकि ड्रेस वगैरह रहता है तो उसको अच्छे से पहनना पड़ता है जो भी जैसे मैचिंग वगैरह करके. तो 1 घंटा लगता है प्रॉपर मुझे रेडी होने. उसके बाद मैं वीडियो शूट करती हूँ. वीडियो शूट खत्म होते ही मेरा पेट उठ जाता है. जिसके कारण बच्चे हैं वो तो समझ ही सकते हैं बच्चे उठने के बाद कोई भी काम नहीं हो सकता है. तो उसके बाद उसी के साथ रहती हूँ. फिर शाम को खाना पीना जो भी होता है जो हर एक लड़की करती है लेडीज करती है सारा कुछ होता है. तो इतना आसान नहीं होता है जिस टाइम सारे लोग रेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम मैं घर का काम खत्म करके अपना वीडियो शूट करती हूँ. तो चलते हैं छत पे वीडियो शूट करते हैं. और बहुत तेज धूप है लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि ये हमारा काम है. सभी लोग जो भी काम करते हैं कैसा भी धूप हो आंधी हो तूफान अपना काम तो करना पड़ता ही है. चलिए जी अच्छा है जिया का काम खत्म हो गया और हम भी फ्री हो गए. अब हम भी जाकर के जो अपने काम पर जाकर के बैठेंगे. अभी नहीं थोड़ी मैं ड्रेस चेंज कर लूंगी फिर उसके बाद तब तक जो है क्रियांश को पकड़ना है. ठीक है तो कोई बात नहीं तो ऐसा ही चलता रहता है जी. बाकी देख रहा हूँ जी जो भी वीडियो डालते हैं आप लोग का बहुत प्यार आता है और बहुत ही तरह तरह का जो है सुझाव आता है. और आप लोगों के सुझाव जो है आप लोगों के बहुत सारे सुझाव की वजह से जो है हम लोगों की जिंदगी में जो बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस भी आया हुआ है. तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यारा प्यारा सुझाव देते रहिए. और बाकी जी सुझाव आता है और बाकी आप लोगों का प्यार आता है लेकिन छोटा सा तबका बहुत ही छोटा सा तबका कहेंगे मुश्किल से अगर 100 कहे तो 100 में से 0.% कहेंगे या 1% कहेंगे ज्यादा से ज्यादा उतना. तो यह कमेंट आता रहता है क्योंकि हम लोग ब्लॉग डालते रहते हैं. ब्लॉग में यह माँ जो है कई बार खाना बनाते हुए दिख जाती है तो कमेंट आ रहा होता है. जिया की सासू माँ ही सारा काम करती है घर का. जिया बस वीडियो बनाने में रहती है और पैसा कमाने में रहती है. बाकी सारा काम तो सासू माँ ही करती है. तो ऐसा कुछ कमेंट
आ रहा था तो मम्मी तो कह रही थी कि हम ही जवाब दे देते हैं, हम कहीं नहीं छोड़ो तुम इन सब चीजों में माता, हम ही बात कर लेते हैं वहाँ पर सभी लोगों से। तो जी बात क्या है कि घर में एक छोटा सा बच्चा है, घर में जो एक छोटा सा बच्चा है दादा दादी कोशिश करते हैं कि उसको जो है हम लोग संभाले और ये दोनों जो है अपना काम काज सब कर ले। मम्मी पापा जो है वह भी जो है कमर दर्द के पेशेंट है तो यह थोड़ा भागते रहता है, बहुत चंचल बच्चा है तो इस वजह से जो है कमर में अच्छा खासा उनको दर्द हो जाता है। तो इस वजह से जो है मम्मी कहती है कि जिया तुम ऐसा करो, तुम इसको पकड़ो, खाना का हम देख लेंगे, तुम पहले बच्चा देख लो उसके बाद तुम देख लेना। तो यहाँ मम्मी का रिक्वेस्ट रहता है, मम्मी का कहना रहता है कि हम जो है किचन का डिपार्टमेंट देख लेंगे, तुम बच्चे को संभाल लो। मम्मी कई बार गुस्सा भी जाती है, कहती है कि ये हमारा घर है, हम जानेंगे हमारे घर में कैसे क्या चल रहा है। जो भी इस तरह का कमेंट कर रहे होते हैं उनको तो पता नहीं होता कि घर में क्या परिस्थिति है, कैसा है, बस बोल देना है वहाँ पर। तो हम कह नहीं नहीं तुम छोड़ो, तुम बस इन सब चीजों से दूर ही रहो। तो ऐसा ही बात है जी। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ दिनों से कि मैं सुबह उठ जाती हूँ। जब तक क्रियांश सोया रहता है ना तब तक मेरा खाना पीना बन जाता है, बना लेती हूँ मैं अपना, 9 बजे तक खाना बना लेती हूँ, 8:30 बजे तक क्रियांश सोया हुआ रहता है और आधे घंटे तो कोई भी मैनेज कर लेता है। और मम्मी अभी भी कह रही है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मम्मी पूरा मन है कि मैं कैसे भी छोड़ दूँ, लेकिन मुझे खुद भी बहुत बुरा लगता था कि मैं नहीं कर पाती थी और मुझे बहुत पसंद है कि मैं खाना बनाऊँ, सब कोई खाए, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कुछ दिनों से कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एनर्जी मिलता है हर चीज़ें मैं अपना काम खुद से करूँ, क्योंकि अभी उम्र बहुत कम है और अभी से मैं सब कुछ मैनेज करना नहीं सीखूंगी तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा। अभी तो मेरा बेटा छोटा है, अभी फैमिली है, सबको सपोर्ट करते हैं हमारी फैमिली। तो सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है पता है सबको कि हमारी फैमिली इतनी सपोर्टिव कैसे है, तो वो हमारी किस्मत है ना, हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे जो हमें इतनी अच्छी फैमिली मिली। तो आप लोग भी अच्छे कर्म करो, अभी भी अच्छा कर्म करो जो आपको भी अच्छा फैमिली मिले, अच्छा सपोर्ट मिले, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप कुछ लोगों को इसी चीज़ों से। चलिए जी कोई बात नहीं जी, तो यही थी जी बात। और जो हम लोग ब्लॉग डालते हैं वह मुश्किल से 5 से 10 मिनट का रहता है और हमारी जिंदगी जो होती है वह होती है 24 घंटे की, तो हर चीज आप लोगों को सामने नहीं लाया जा सकता। और जब मैं कुछ करती भी हूँ तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे रहता है कि जल्दी से काम खत्म करना है क्योंकि आगे भी मुझे बहुत काम करना है, अगर क्रियांश उठ जाएगा तो फिर नहीं कर पाऊंगा। तो इसी तरह का कुछ बात है और मैं जैसा कि मैंने कहा कि मुश्किल से वह 1% ऐसे सारे लोग हैं, लेकिन होता है ना कि आप इग्नोर कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि यार इग्नोर कर रहा है ऐसे तुम बस बोलते जाए। कई लोग कायरता भी हमारी इस बात को समझ लेते हैं, तो इसीलिए जो है एक दो बार जवाब देना जरूरी हो जाता है। बाकी आप लोग ऐसे प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, ये लो क्रियांश को बहुत शैतान हो गया। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बिल्कुल जी, और हाँ जी वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिए, आपके एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।